हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो अभी मैं कपड़े भिगोने के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना धूप है और सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। तो बारिश होने के रीज़न से ना क्या होता है कि कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इन्हें यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद बाल्टी लेते हैं, उसमें सर्फ रखते हैं और फिर इन्हें भिगोने के लिए रखते हैं। और आज जो है मैं अपने कपड़े धोऊँगा, क्योंकि धूप जो है ना काफ़ी अच्छी खिली हुई है, तो इस धूप में जो है जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह पानी के लिए नहीं गया नीचे, तो पानी ख़त्म हो गया और मैं अब पानी के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए अब जल्दी से नीचे चलते हैं और धारे से पानी लेके आते हैं और फिर आगे का वीडियो शूट करते हैं। अब इसको घुमाने का टाइम हो गया, क्योंकि ये सुबह से बंधा हुआ है ना। अब ये देखो, ओए ओए पार दिया। तो खुद की जंजीर को खुद घर लेके जा रहा है, ये देखो। खुद को खुद घर के पास ले आया है, खुद की जंजीर मुंह पे पकड़ के। कहाँ पे बंधेगा? यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बांधना है, यहीं पे लेट गया। तो कुत्ते को भी घुमा के आ ही गए और अब जो है ना चलते हैं कपड़े धोने के लिए। और आज मैं कपड़े बाथरूम में नहीं धोऊंगा, क्योंकि मैं ना नीचे बैठ नहीं पा रहा हूँ और नीचे वाले डिग्गी पे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कपड़े धोने के लिए अच्छा है, वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे मैं जल्दी से कपड़े धो सकता हूँ। तो डिग्गी पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना, ये बना रखा। तो यहाँ पे मैं मतलब आराम से यूँ खड़ा होकर कपड़े धो सकता हूँ, मतलब मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बाथरूम में धोता तो मुझे नीचे बैठना पड़ता और मेरा जो पैर है ना वो मुड़ नहीं रहा है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर कपड़े धोएंगे और बाल्टी भर गया। तो चलिए जल्दी से कपड़े धोता हूँ और उसके बाद ही आगे की बात करता हूँ। अब जो है ना कपड़े धुल गए हैं और वहाँ पे कपड़े धोने में ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब जो है छत में चलते हैं और इन कपड़ों को धोप पे डालते हैं, फिर जो है आगे देखते हैं क्या प्लान होता है। तो आज के जो काम थे ना वो ज़्यादा तो कुछ थे नहीं, छोटे मोटे काम ही थे। तो जब आप ऐसे काम पे लगे रहते हैं दिन भर, सबको बहुत अच्छा फील आता है और शाम को जो है बहुत अच्छी नींद आती है। तो यही तो हमारा जीवन है। जो है कपड़े धोने के बाद ये देखो ताई जी ऊपर भी थी, तो इनको जो है लंगूर खाने आ रहे थे, मतलब काटने आ रहे थे। तो होता ऐसा ही है, जो बड़े बड़े लंगूर होते हैं ना वो अकेली औरतों या बच्चों को देख के ऐसे काटने आते हैं। और हम आए हिम्मत वाले, ये देखो कैसे भाग रहे हैं। ओहो ओले ओहो। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी हल्का हल्का घूमने को ही निकला हूँ। सोचा कि घर में भी क्या करूँगा। वैसे बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी जो है बारिश रुकी हुई है। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आ जाता हूँ। और अभी निकला हूँ और आगे की ओर जाऊँगा, जितना हो सकेगा उतना ही जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा चलने से भी पैर में दर्द हो रहा है। तो देखूँगा जितना पॉसिबल होगा, हल्का हल्का आराम से घूमता घूमता निकलूँगा और फिर जल्दी से वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अगर दोबारा से बारिश होगी तो भीग जाऊंगा। और इसलिए जो है थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं। तो मौसम जो हो रखा है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है और ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा ही आता है। अभी देखो जस्ट बारिश हुई थी, जिसकी वजह से रोड जो है वो पूरी तरह से भीग गई है। और आगे यहाँ तक घूम के आता हूँ और फिर अगर वहाँ से कोई दोस्त मिलता है
तो उसके साथ वापस आने के लिए हो जाएगा। और वैसे काफ़ी सारे दोस्त मिलते हैं जाते हुए और आते हुए भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब लोग। तो पहाड़ों में एक नया दिन शुरू हो चुका है और पीछे देखो अच्छी से धुंध लगी हुई है। वैसे मौसम बारिश का नहीं है और फिर भी धुंध लगी हुई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और मैं भी उठ चुका हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 भी नहीं बजे। तो अभी जो है सबसे पहले उठा ही हूँ जस्ट, और अब जो है सबसे पहला जो काम होता है पहाड़ों में वो होता है चौक की सफाई करना। तो चलिए चौक की सफाई करते हैं और फिर जो है अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल जो होता क्या है ना कि नियमित तौर से सुबह उठ के एवर घरों की साफ सफाई के बाद पहाड़ों में बाकी जो काम काज होते हैं वो शुरू होते हैं। तो अभी जो है वही काम का शुरू चल रहे हैं और मैं मतलब अभी सफाई कर ही रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो शहरों में रहते हैं वहाँ पे दूसरी किस्म के झाड़ू का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ना रिंगाल के झाड़ू होते हैं। रिंगाल एक घास होती है, तो उसके झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है और उसी से जो है वो साफ़ सफाई की जाती है घर की। तो अब जो है मम्मी भी जंगल से आ गई है, तो नाश्ता भी हमने कर लिया है और अब जो है दूसरा काम जो बचता है वो गाय को पानी पिलाने का होता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि गाय को पानी आज मम्मी पिलाएगी, मैं नहीं पिलाऊंगा क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है आज। तो मम्मी पानी पिलाएगी, फिर जो है देखेंगे मम्मी खेत में काम करने जाएगी या जहां भी जाएगी उस हिसाब से, और फिर जो है उसके बाद खाना बनाने की ड्यूटी मेरी होगी। खाना भी बन ही रखा है। कहाँ जा रहा है? तो बात कुछ ऐसी है कि आपने कुछ दिनों से देखा कि मेरे जो ब्लॉग्स थे ना वो टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहे थे, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था और वो रीज़न आपको ना अगले ब्लॉग में मिलेगा। क्योंकि कुछ दिनों से मैं कुछ प्रॉब्लम्स में था, तो जिस वजह से मैं मतलब प्रॉपर रूप से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। और मेरे पास कुछ ब्लॉग्स थे लेकिन कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं वो ब्लॉग्स नहीं डाल पाया और आप लोगों तक वो ब्लॉग्स नहीं पहुंचे। तो जब आपको ये ब्लॉग्स देख रहे होंगे, आप जब आप इस ब्लॉग को देख रहे होंगे, तो इस टाइम पे दरअसल रात को ये ब्लॉग शूट हो रहा है। और इसका रीज़न ये है कि मैं श्रीनगर में था कुछ दिन, 2-3 दिन जो भी थे। तो श्रीनगर में होने की वजह से कुछ ऐसे रीज़न आ गए थे, कुछ मतलब ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ गई थी कि मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पाया। और जो आप अगला ब्लॉग देखोगे उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये रीज़न क्या था और क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। और अभी रात को ब्लॉग शूट करा, मतलब मैं आज यानी आपको ये ब्लॉग अगले दिन देखने को मिल रहा है। तो आज मैं घर आया हूँ और अभी मतलब शाम को मैं जस्ट घर पहुँचा हूँ। तो मैं 3 दिन से सोया नहीं था और आज जो है मैं घर आके सीधे सो गया। तो रात को अभी उठा और ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो सोचा कि जो पुराना ब्लॉग बना हुआ है ना उसमें थोड़ा एंडिंग को चेंज कर देता हूँ, मतलब एंडिंग में आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूँ और मेरी वजह से मतलब आप जब तक आप मुझे देखते हो आपका इतना सपोर्ट रहता है तब तक मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ। और अभी जो है ना आज के ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर वेट करना कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा क्या रीज़न था, क्या हुआ मेरे साथ, कैसा कैसा रहा ये 3 दिनों का सफ़र। और अभी जो है आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना और उसकी नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि आपको ना जो नेक्स्ट ब्लॉग का अपडेट है वो प्रॉपर मिल जाए। और अभी जो है खाना भी खाते हैं यार, रात हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय केदारनाथ। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा दोस्तों, और प्रॉपर बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है इन 2-3 दिनों में।